जब आप बरसात में थोड़ी महंगी हो जाती है ना गोभी, तो कई लोग इस तरीके से सुखा भी लेते हैं, तो मैंने भी इस तरीके से सुखाई है गोभी। तो इस तरीके आपने बड़े फ्लावर कट करने हैं, इस तरीके से बड़े फ्लावर कट करने हैं गोभी के। गोभी को अच्छे से धो लें और कीड़े वगैरह चेक कर लें उसके, और ऐसे बड़े बड़े फ्लावर कट करें। और ये मैंने कुछ गाजर इस तरीके से सुखाई है, इस तरीके से गाजर भी मैंने उसको कट करके और सुखा ली है। तो स्टोर करने के लिए बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हैं सुखा के। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक से जरूर कर, फिर चैनल को चैनल को फिर सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, तो बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको देखने के लिए, सीखने के लिए। तो इस तरीके की वो भी आप सुखा के रख लीजिए, और बरसात में बहुत काम आएगी आपको। ये सूखी गोभी की आप सब्जी जो बना के खाएँ बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, और बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स है आपके लिए। तो इस तरीके की गोभी सुखा लीजिए। अगर आप अचार वगैरह बनाते हैं गोभी का, तो उसके लिए भी गोभी और गाजर इसी तरीके से सुखा लीजिए। तो आपने सुखाने से पहले गाजर और गोभी को अच्छे से धो लेना, और थोड़े मोटे पीसेस कट करें गाजर के और गोभी के भी, ताकि ये थोड़े से जब वह सूखते हैं थोड़े से सॉफ्ट मतलब छोटे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये फुल टेस्ट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फिर चैनल को चार्ज नहीं, चैनल को गो करना हेल्प करें, चैनल को फिर सब्सक्राइब करके मेरी प्ले लिस्ट से जो चेक है, बहुत अच्छी वीडियोज मिलेंगे आपको देखने के लिए और सीखने के लिए। मिलते हैं मेरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।